हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अनुर विकास मैथ अकेडमी। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 14.1 सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व करा दिया था। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 से जो बाकी जो क्वेश्चन दिए गए उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, मैं हर एक क्वेश्चन लाइन बाई लाइन सॉल्व कराऊंगा, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 ये दिया है कि √3 दिया है इज इक्वल टू 0 दिया है। हमें इसे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, इसका हमें रूट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे रूट्स फाइंड आउट करते थे, विद द हेल्प ऑफ सिरदेचार फार्मूला। सिरदेचार फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बार और रिटर्न कर दे रहा हूँ, आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। क्या होता था स्टूडेंट, कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, मैंने बोला था ना कि अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म में ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक कहाँ रह जाएगा, ये तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स की पावर 1 रहेगा बस, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो सिरदेचार फार्मूला क्या बताता है, उसका रूट्स को बताता है। फार्मूला क्या होता है वो देखिए, एक्स इज इक्वल टू होता है -b± √b² - 4ac / 2a, ठीक है। इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालिए और यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका रूट्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार प्लस मिलेंगे तो एक रूट आएगा, एक बार माइनस मिलेंगे तो दूसरा रूट आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, सिरदेचार फार्मूला के हेल्प की मदद से हम कोई भी रूट्स फाइंड आउट करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो इसी फार्मूला के हेल्प से हम क्या करते हैं, इसका रूट्स निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे ए है, तो ए की जगह पे क्या है, √3 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे a = √3, b = क्या दिया यहाँ पे, b = -√2 दिया है, चिन्ह सहित लिखते हैं, ठीक है, -√3। और c = क्या दिया है, c = दिया है 3√3, ठीक है। हमें सबका ए बी सी की वैल्यू निकल गई। अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए तो आपका रूट्स निकल के आ जाएगा। देखिए क्या पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, x = -b, -b = -√2, ठीक है, +√b². तो √b² मतलब क्या है, -√2² - 4ac। ये क्या दें यहाँ पे, ये यहाँ पे √3 दिया है तो √3 का इंटू हो जाएगा। और c क्या दिया है यहाँ पे, 3√3, ठीक है, / 2a। तो 2 और a की वैल्यू क्या दिया है, √3। तो इस तरीके से हमने सारा वैल्यू लिख लिया। सिंपली क्या करिए, इसको कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे x = आ जाएगा, -± + तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, +± √, यहाँ पे देखिए ये -√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 4 √3 * √3 क्या हो जाएगा, 3, और 3 * 9, और 9 * 4 = 36, ठीक है, ये आ जाएगा / 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आता है, इसको देखिए यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, x = √2 + - यहाँ पे देखिए, अगर 36 में से हम क्या करें, 36 में से हम माइनस करेंगे 2 तो कितना बचेगा, 34 बचेगा, -34 बचेगा, और / 2√2, ठीक है, √3 / 2√3 है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए -√34 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से, मैं बोला था ना कि जब भी माइनस आ जाए इस तरीके से, -34 आए तो इसको क्या लिख देंगे, -1 * 34 लिख सकते हैं ना। लेकिन हमें पता है कि i² की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है ना, i² की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 34 * i² i² की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है ना, तो इस तरीके से, क्योंकि रूट में क्या होता है, नेगेटिव टर्म नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए आयोटा यहाँ पे इंटर कर देता है। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 34 i² लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे √2 + - ये 34 iota² ठीक है, / 2√3 x = value i। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = √2 + - √34, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा आयोटा आ जाएगा बस, और / 2√3, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो रूट यहाँ से निकल के आ रही हैं, रूट्स जो है यहाँ से दो निकल के आपकी आ रही है, एक क्या आ रहा है, एक तो आपका प्लस वाला हो जाएगा,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दो रूट आएंगी ना, तो एक बार इतना यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं या दो रूट्स लिख के दिखा भी सकते हैं। तो क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। एक रूट्स क्या आएगा, एक प्लस लेंगे तो एक रूट्स आएगा और एक बार माइनस लेंगे तो एक रूट्स आएगा। तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो एक रूट्स क्या आएगा, अंडर रूट टू प्लस 34 आयोटा डिवाइडेड बाई 2√3। एक तो ये रूट होगा एंड, और दूसरा रूट क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 3। एक बार माइनस, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें क्या आता है, दो रूट्स आते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपका आंसर करेक्ट है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, और वीडियो कर ज़्यादा से ज़्यादा करिए लाइक करिए, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा, और कमेंट जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, ठीक उसी तरीके से 21 जैसे सॉल्व किया ना, जिस तरीके से उस तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। यही फॉर्मूला हमें लगाना है, सीधा चार फॉर्मूला ये आपको दिया है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन को कंपेयर करके, और सिंपली इक्वेशन वन में पुट कर देंगे वैल्यू, आपका रूट्स निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है ना, एक्स स्क्वायर से कोफिशियंट, मतलब जो कोफिशियंट किसे कहते हैं, जो एक्स स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई किया है उसका, उसको कोफिशियंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, अंडर रूट टू है, तो ये ए की वैल्यू है। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू आ जाएगा। बी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ये x है, ठीक है। तो b इक्वल टू कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना यहाँ पे, तो b इक्वल टू 1 हो जाएगा। c इक्वल टू क्या है, रूट टू है, ठीक है। तो ये आ गया a b c की वैल्यू, ये आ गया हियर, a b c की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 22 हम सॉल्व 21 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस सिंपली a b c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिए, पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख दीजिए पुट द वैल्यू वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट में ये सब स्टेटमेंट लिखा जाता है एग्जामिनेशन में, सॉल्व करें क्वेश्चन तो, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है, स्टेप मार्किंग मिलता है, तो ये सब इस तरीके से वी नो डैट दिस करके लिखा जाता है, तो नंबर अच्छा मिलता है, ठीक है। तो ऐसे लिख लीजिएगा। तो हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो x इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे माइनस, सॉरी b की वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 4ac, ए की वैल्यू क्या है, रूट टू है, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू भी रूट टू है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, तो 2√2 आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, सॉल्व करिए देखिए क्या वैल्यू आती है। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इंटू रूट टू इंटू रूट टू, जब भी रूट टू और रूट टू इंटू करते हैं, जब भी सेम क्वांटिटी में रूट होता है, सेम क्वांटिटी हो और दोनों क्या स्क्वायर रूट में हो तो मल्टीप्लीकेशन होता है, तो सिंपली क्या आता है, 2 आ जाता है, रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट टू इंटू रूट टू 2 आएगा, और 4 टू जाए 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है। यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 7 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2√2। तो जब भी रूट में माइनस आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, वो इमेजरी नंबर बन जाता है। कैसे इमेजरी नंबर बनता है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, माइनस 1 इंटू 7 है ना, तभी तो माइनस 7 आएगा। तो माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर होती है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ, माइनस 1 की वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से x की इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ पे 7 आयोटा स्क्वायर। ये माइनस किससे रिप्लेस हो गया, आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस हो गया, यहाँ पे 2√2 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2√2। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, रूट हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 21 के। इससे क्या करिए, इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कोई इसमें डिफरेंट क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करा देता हूँ, और जो सिमिलर क्वेश्चन रहेगा आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक इसी फॉर्मूले पे यूज़ करके हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बस ये ख्याल रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव आए तो वहाँ पर क्या करेंगे,
माइनस वन को आई स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। ये बस इसमें बात ध्यान रखने वाली बात है, और कुछ नहीं है इस इक्वेशन इस चैप्टर में, बहुत ईजी चैप्टर है, इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 22 और 27 थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, थोड़ा फ्रैक्शन में दिया है, तो बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा मुझे ये डिफरेंट लगा, तो ये दोनों क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ, बाकी सब क्वेश्चन ईजी है, तो वो खुद से आप ट्राई कर लीजिएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से जब भी क्वेश्चन दिया रहता है ना, इसे हम क्या कर लेते हैं, पहले एलसीएम लेकर इसको मैं अरेंज कर लेते हैं ए बी सी के फॉर्मेट में। कैसे, देखिए इसे क्या कर लेंगे, इसका रूट एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, रूट टू आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट टू एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या आ जाएगा, रूट टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इधर ये इधर क्या है, डिवाइड किया, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा जीरो में तो क्या आएगा, रिजल्ट जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस तरीके से हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, जब भी फ्रैक्शन में दिखता है तो बस समझ में आ गया। अब यहाँ से ईजी हो जाएगा, अब यहाँ से क्या कर लेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे, ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर से जो इंटू किया जाता है वो ए की वैल्यू होती है, x से जो इंटू करता है वो के बी की वैल्यू होती है, और जो बाकी जो बनता है वो क्या होता है, वो कॉन्स्टेंट टर्म होता है, वो c की वैल्यू होती है। ठीक है, हमें पता है कि वी नो डैट x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, ये फार्मूला होता है, सीधे चार फार्मूला। यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करिए यहाँ पे, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू बी की जगह पर क्या दिया है, रूट टू दिया है, तो माइनस रूट टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या, अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए की वैल्यू कितनी दी है, रूट टू दिया है, और सी की वैल्यू कितनी दी है, माइनस सॉरी सी की वैल्यू कितनी दी है, वन दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, डिवाइडेड बाई टू ए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू रूट टू आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए अब इस साइड क्या वैल्यू आती है, इसको सिंपली क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा, x इज इक्वल टू माइनस रूट टू, ठीक है, प्लस माइनस रूट टू का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, कोई भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, जो नंबर होता है वही आ जाता है रूट के अंदर, तो टू आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर रूट टू आ जाएगा, तो माइनस फोर रूट टू, माइनस फोर रूट टू। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, फोर रूट टू डिवाइडेड बाई टू रूट टू, इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा है तो कॉमन कर लेंगे, कैसे कॉमन करेंगे वो देखिए, पहले यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस रूट टू प्लस, ये रूट के अंदर क्या कर लेते हैं, टू कॉमन कर लेते हैं, तो टू कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस टू रूट टू, ठीक है, वन माइनस टू रूट टू ये क्लोज डिवाइडेड बाई टू रूट टू, इस तरीके से आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आएगी। अब देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ, आंसर में यहीं तक दिया है क्या, देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 22, तो इस तरीके से नहीं, कुछ यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे थोड़ा सा किया है स्टूडेंट, देखिए क्या किया है, अगर यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम क्या करें स्टूडेंट, यहाँ से हम रूट टू कॉमन कर लेते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस रूट टू प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट वन माइनस टू रूट टू, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई टू रूट टू इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूट है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला फॉर्म बन जाएगा, तो यहाँ से इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, अब यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ से, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ तो यहाँ से रूट टू कॉमन करके काट सकता हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू क्या कर लीजिए, यहाँ से रूट टू कॉमन कर लीजिए, रूट टू कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वन प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू रूट टू सॉरी वन माइनस टू रूट टू, ठीक है, वन डिवाइडेड बाई टू रूट टू, तो ये रूट टू से ये रूट कैंसिल आउट। बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, इसको क्या करिए, पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट करिए, यहाँ तक नोट करिए, बस ये कुछ नहीं करना है, बस सिंप्लीफिकेशन करना है, आंसर आ गया आपका, ओके। देखिए अब यहाँ से क्या कर रहा है, हमें क्या करना है, अब देखिए वन माइनस
टू रूट टू करेंगे तो क्या आएगा, कुछ निगेटिव संख्या आएगा, क्योंकि रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1.43 होता है, उसमें टू मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला समथिंग आएगा, तो इसे हम आगे कर लेते हैं माइनस कॉमन करके। इस तरीके से यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस वन प्लस माइनस, और ये रूट के अंदर क्या करते हैं हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, अगर माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा टू रूट टू, टू रूट टू माइनस वन, ठीक है, ये कॉमन करेंगे तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट। अब क्या आता है यहाँ पे, कुछ नहीं है तो क्या है, ये माइनस वन है ना, कुछ नहीं है तो क्या है माइनस वन, माइनस वन की वैल्यू क्या होती है आई स्क्वायर होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ टू रूट टू माइनस वन आई स्क्वायर, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन प्लस माइनस रूट टू रूट टू माइनस आई माइनस वन आयोटा स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा रूट से बाहर निकल जाएगा, ये क्या आ जाएगा आई आ जाएगा बस डिवाइडेड बाई टू, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात समझ में आया होगा, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्यों हमने टू रूट टू लिया, क्योंकि टू रूट टू क्या है इसकी वैल्यू ज़्यादा है वन से, तो इसीलिए हमने माइनस कॉमन करके इसको आगे लिया, क्योंकि ज़्यादा में से कम करेंगे तो क्या आएगा ये रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए, ठीक है, और माइनस की माइनस वन की जगह पे क्या पुट कर लेंगे हम आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर जब रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो क्या होता है बाहर निकल जाता है स्क्वायर, ठीक है, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। मैं आता हूँ लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे, तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20/3 इज इक्वल टू 0, ये हमें क्या दिया है, ये हमें वैल्यू दिया गया है, इसका क्या करना है हमें सोल्यूशन निकालना है, ठीक, क्वेश्चन नंबर जैसे 22 की है ना उसी तरीके से इसको भी करेंगे। ये देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है ना कॉन्स्टेंट, तो पहले इसका फ्रैक्शन को हटाएंगे, कैसे, बाय टेकिंग एलसीएम, एलसीएम इसका लेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और ये 3 इसे मल्टीप्लाई करेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 3×9x स्क्वायर, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो -12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इधर ये 3 डिवाइड किया होता है, जाकर मल्टीप्लाई करेगा 0 में तो पूरा रिजल्ट 0 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालें हम यहाँ से, हियर a की वैल्यू निकालें तो क्या है 9 है, b की वैल्यू निकालेंगे तो -12 है, और c की वैल्यू निकालें तो 20 है, ठीक है। यहाँ से बाई सीधा चार फार्मूला क्या होता है, फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्यों बार बार लिखते हैं, बार बार फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला क्या होता है लर्न हो जाता है, तो जब भी क्वेश्चन करिए तो वहाँ पे क्या करिए फार्मूला उसको कई बार राइट करिए, ठीक है, तो उस तरीके से लर्न हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 12 का माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू कितनी दी है 9 दी है, और c की वैल्यू कितनी दी है 20 दी है डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू 9 है तो 2×9, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करना है इधर, अब इसको कैलकुलेट करना है, सिंपली कैलकुलेट करिए, देखिए क्या आता है रिजल्ट, यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 12 हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 36, 9×4 36, और 36×2 कितना आ जाएगा 720, ठीक है, अच्छा ओके 36 और 36×20 72×0, ठीक है, ये आ गया डिवाइडेड बाई 9×2×18, ये बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको 720 में से क्या करिए 144 घटाइए तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे कितना 11, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 6, 6 में से गया 5, तो 576 माइनस 576 बचा यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 18। अब देखिए जब भी रूट में क्या आता है निगेटिव आ जाता है तो क्या आता है वहाँ पे आयोटा आता है, इमेजिनरी नंबर, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ 576 आई स्क्वायर, क्योंकि इसको माइनस 1 इंटू क्या लिख सकता हूँ 576, और माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर ये आ जाएगा रूट के अंदर है डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा 12 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पे कितना होता है 576 किसका स्क्वायर है 24 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई 18। अब जिसमें से कुछ कॉमन टर्म दिख रहा है
तो कॉमन करके क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं इधर एरेज करता हूँ। देखिए क्या आएगा, वहाँ से कॉमन करते हैं हम, सिक्स कॉमन करते हैं। तो सिक्स जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, सिक्स कॉमन करेंगे तो सिक्स टू जो ट्वेल्व प्लस माइनस फोर आयोटा डिवाइडेड बाई एटीन, और सिक्स थ्री जो एटीन, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, टू प्लस माइनस फोर आयोटा डिवाइडेड बाई थ्री। ये क्या आ जाएगा, आपका x की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका रूट्स निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको बुक में इस तरीके से लिखा है, ये भी आंसर करेक्ट है। अब बुक में क्या किया है, इस तरीके से लिखा है, टू अपॉन थ्री प्लस माइनस फोर आयोटा अपॉन थ्री, इस तरीके से बुक में लिखा है। बस इसको क्या किया, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दिया है। तो ये भी आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर कोई भी डाउट होता है तो क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरा इंस्टा आईडी दिया है वहाँ पे, कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं स्टूडेंट। और वीडियो अच्छे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी एक्सरसाइज हेल्प कर सॉल्व करते समय हेल्प मिल सके स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक्सरसाइज 14.2 लेकर, ठीक है। तो आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत, हैव अ नाइस डे।